On behalf of CA Sansaar, मैं CA शिवांगी मित्तल आप सबके सामने लेकर आई हूँ CBDT की एक नई नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने दो इनकम टैक्स फॉर्म्स को नोटिफाई किया है. लास्ट ईयर के बजट में दो नए सेक्शंस इंसर्ट किए गए थे, सेक्शन नंबर 115BAA एंड सेक्शन नंबर 115BAB. तो ये दो सेक्शंस क्या थे कि एज पर जो ये दो सेक्शंस थे इसमें डोमेस्टिक कंपनीज के पास ये ऑप्शन था कि वो लोअर टैक्स रेट को ऑप्ट कर सके. लोअर टैक्स रेट प्रोवाइडेड की फुल कुछ कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी. जैसे ही वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो आप लोअर टैक्स रेट को ऑप्ट कर सकते हो. तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली उसी के रिगार्डिंग आई है. नोटिफिकेशन इशू डेट है 12 फरवरी 2020, जिसमें डिपार्टमेंट ने हमें इनकम टैक्स रूल्स 2020 को अनाउंस किया है, जो कि एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. दैट मीन्स ये एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए. तो डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन में उन्होंने इनकम टैक्स रूल्स 1962 में दो नए रूल्स को ऐड किया है, इंसर्ट किया है. एक रूल नंबर 21AE एंड एक रूल नंबर 21AF. रूल नंबर 21AE हमारा है सेक्शन 115BAA के लिए. जो सेक्शन 115BAA है वो ये कहता है कि अगर आप ऑप्ट करते हो, अगर आप ऑप्ट करते हो रूल नंबर एज पर रूल नंबर 21AE, अगर आप ऑप्ट करते हो सेक्शन 115BAA तो आपको फॉर्म नंबर 10IC फाइल करना पड़ेगा, और अगर आप ऑप्ट करते हो सेक्शन 115BAB तो आपको फॉर्म ID फाइल करना पड़ेगा. अब ये बेसिकली फॉर्म IC, ID, ये सेक्शन 115BAA और BAB क्या है ये हम आगे जानते हैं. तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं इन दोनों सेक्शन का. तो जो सेक्शन 115BAA है वो कहता है कि वो एप्लीकेबल है डोमेस्टिक कंपनीज पे, फॉरेन कंपनीज पे नहीं है, डोमेस्टिक कंपनीज पे एप्लीकेबल है. एंड उनको इनकम टैक्स रेट पे करना पड़ेगा 22% के हिसाब से, प्रोवाइडेड कि कुछ कंडीशंस फुलफिल हो. सेक्शन 115BAB एप्लीकेबल है न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे, जिनको इनकम टैक्स रेट पे करना पड़ेगा 15%, प्रोवाइडेड कि वो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हो ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 एंड कमेंस किया हो उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बिफोर 31 मार्च 2023. कुछ कॉमन प्रोविजंस है दोनों सेक्शंस में, कॉमन पॉइंट्स अंडर सेक्शन 115BAA एंड सेक्शन 115BAB. वो क्या क्या है कि इन दोनों ही सेक्शंस में किसी भी डोमेस्टिक कंपनी को मैट का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है. अगर आप ये ऑप्शन अवेल करते हो तो आप इसको रिवोक नहीं कर सकते, और अगर इसमें कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं होंगी. ये बेनिफिट आपको तभी अवेलेबल है अगर आपने ITR फाइल करी है बिफोर ड्यू डेट, और सरचार्ज ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और इस पे फ्लैट रेट लगेगा सरचार्ज का 10% एंड एजुकेशन सेस 4%. अगर हम इस आगे डिटेल में जानते हैं सेक्शन 115BAA को, तो ये है टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज. ये एप्लीकेबल है डोमेस्टिक कंपनीज पे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, या फिर सर्विस इंडस्ट्री हो. कोई सी भी कंपनी हो सकती है जो कि ये सेक्शन को अवेल कर सकती है, ऑप्ट कर सकती है एंड चूज कर सकती है कि वो इनकम टैक्स रेट पे करे एट द रेट ऑफ 22%. हाउएवर उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी. वो कंडीशंस क्या क्या है कि एक तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा 10AA का. 10AA की डिडक्शन होती है SEZ एंटिटीज के लिए, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा. 3212A का मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा एट द रेट ऑफ 20% जो एडिशनल डेप्रिसिएशन में होता है वो नहीं मिलेगा. 3280 इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन सर्टेन स्पेसिफाइड एरियाज, कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो प्लांट एंड मशीनरी का कुछ एरियाज में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. 33AB टी कॉफी रबर वाला डिडक्शन, या फिर चैप्टर 6A डिडक्शंस, ये सारी डिडक्शंस आप अवेल नहीं कर सकते हो. अदर देन 80JJAA और ATM, बट हाउएवर 80JJAA और AA की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो. 80JJAA की डिडक्शन वो होती है जो कि हम एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में क्लेम करते हैं, उसके आप अवेल कर सकते हो. और एज पर फाइनेंस बिल 2020 एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है ATM. ये सेक्शन पहले भी था बट ऑमिट हो गया था बाय फाइनेंस एक्ट 2003, बट ये इसे फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि कहता है डिडक्शन फॉर इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स. ये वाले डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हो. इसके अलावा
चाहे एसईजेड की डिडक्शन हो, चाहे एडिशनल डेप्रिसिएशन हो, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट मशीनरी इन सर्टेन स्पेसिफाइड एरियाज, साइट रिस्टोरेशन फंड, स्पेसिफाइड बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो भी डिडक्शन है, चैप्टर 6A की डिडक्शन है, वो सारी आप क्लेम नहीं कर सकते हो. आप कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड या डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो. However, normal depreciation आप claim कर सकते हो, but additional depreciation आपको allow नहीं होगा. ये section को opt करने के लिए आपको form 10-IC file करना पड़ेगा to claim this benefit. तो यही notification में आया है कि आपको form 10-IC file करना है. ये form 10-IC है क्या? ये form है जो department ने हमें provide किया है. इसमें आपको details देनी है अपनी company की कि आपकी company domestic है या है है तो उसकी डिटेल्स क्या है, पैन कार्ड क्या है, रजिस्टर्ड नंबर, ये सब देना है. आईएफएससी भी है तो अगर आपको उसकी डिटेल्स देनी है. फिर 115BA का अगर आप 115 एक सेक्शन था हमारा जो प्रीवियसली इंट्रोड्यूस हुआ था, सेक्शन 115BA, उसमें ये था कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016, उनके पास ऑप्शन था कि वो टैक्स रेट पे करें 25% का, प्रोवाइडेड वही कंडीशंस हो कि डिडक्शन अवेल नहीं करे और लॉस कैरी फॉरवर्ड ना करे. उनके पास भी ऑप्शन है कि वो इस सेक्शन को, इस BAA के अंदर इस फॉर्म को ले सकती हैं. तो वो सारे डिटेल्स आप फुलफिल कर देंगे और ये सबमिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली या फिर EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू. तो ये था हमारा सेक्शन 115BAA के लिए. अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन 115BAB जो कि कहता है टैक्स ऑन इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज. ये सेक्शन एप्लीकेबल है ओनली न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज के लिए जो कि सेटअप और रजिस्टर हुई है आफ्टर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, बट उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो कमेंस कर दिया हो 31 मार्च 2023 से पहले. ऐसे कंपनीज को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%, प्रोवाइडेड कि जो बिजनेस है वो फॉर्म हुआ हो, ना हुआ हो स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस के थ्रू, और वो डज नॉट यूज सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, एंड वो कोई ऐसी बिल्डिंग भी ना यूज करे जो कि होटल और कन्वेंशन सेंटर के लिए यूज हो चुकी हो पहले, जिसपे सेक्शन 80-ID का डिडक्शन पहले मिल चुका हो. ऐसी कंपनीज को इनकम टैक्स रेट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%. सेम वही कंडीशन है BAA वाली कि कोई डिडक्शन अवेल ना करे, SEZ, एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट मशीनरी सर्टेन स्पेसिफाइड एरिया, साइट रिस्टोरेशन फंड और चैप्टर 6A की डिडक्शन एक्सेप्ट 80JJ और 80M जो कि ऐड किया गया है बाय फाइनेंस बिल 2020. सेट ऑफ और लॉस के फॉरवर्ड नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन यू कैन नॉट क्लेम. ऐसी कंपनीज को जिन्होंने ऑप्ट किया है सेक्शन 115BAB जो कि न्यूली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको फॉर्म 10-ID फाइल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लेम दिस बेनिफिट. फॉर्म 10-ID क्या है, उसमें ये सारी डिटेल्स जाएगी जो डिपार्टमेंट ने अभी फॉर्म किया है, प्रोवाइड किया है. एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 115BAB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसमें क्या क्या डिटेल्स जाएंगे, डिटेल्स जाएंगे कंपनी की, नेम क्या है, उसका पैन नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, जिस डेट पे वो सेटअप हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज करती है. एंड इसमें आप अफर्म करोगे, उसमें आप बेसिकली एक डिक्लेरेशन दोगे कि आपका जो बिजनेस है वो स्प्लिट अप नहीं हुआ है या रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं की गई है, कोई ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं हुई है जिसमें सेक्शन 80-ID का डिडक्शन मिला हो. ये सारे आप अफर्मेशन दोगे एंड देन आप क्लेम कर सकते हो इस डिडक्शन को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल CA Sansaar, एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो लिंक, लाइक एंड सब्सक्राइब.